लेटेस्ट एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्ते दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार अपने YouTube चैनल लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप मैक्रोमैक्स Q465 का फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसी बात की जानकारी दूंगा, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, पहले तो आपको एक डाटा केबल, लैपटॉप और साथ में एक मोबाइल, ये आपको आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये फाइल जो आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पर, आप देख सकते हैं ये जो मैंने फाइल डाउनलोड किया हुआ है, आपको ये डाउनलोड करना है। इसका जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये दो फाइल चाहिए होंगे, मैक्रोमैक्स का स्टॉक रोम और ये एसपीडी टूल, अपग्रेड टूल। दोस्तों, ये दोनों आपको पहले डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको जो यहां पे इसको फाइल को सिलेक्ट करना है और इसे एक्सलेट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं अब इसके बाद करना क्या है, आपको इस फाइल को करना है, इसे सेलेक्ट कीजिए और फाइल को एक्सप्लोर कर दीजिए और ओके पे क्लिक करिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे दोनों फाइल हो चुके हैं। तो अब हमें इस एसपीडी टूल पे जो है क्लिक करना है और यहाँ से इस टूल को जो है इंस्टॉल करना है। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे अब लैपटॉप पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, तो इस सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने डाउनलोड किया था, एक्सलेट किया था, वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं, जैसे कि ये हमने कर रखा है तो इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको इसमें ये फाइबर पर जाना है और यहाँ से जो है इस फाइल को सेलेक्ट करना है, इसको इसी से आपकी फ्लैशिंग होगी। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ आपको क्या करना है, मोबाइल के साथ क्या करना है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये मोबाइल हमारे पास माइक्रोमैक्स का मोबाइल है। तो आपको करना क्या है, पहले अभी मैं दिखा देता हूँ, ये जो है अभी बिल्कुल ऑन है। तो दोस्तों, आप जो है आप इसकी फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले इस फ़ोन को जो है बंद करना होगा। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। दोस्तों, थोड़ा लेट समय लगता है इस फाइल को लोडिंग होने में, तो पहले फाइल को लोडिंग होने दीजिए। उसके बाद है अपने फ़ोन को बस आपको बंद करके इसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि मैं अभी आप देख सकते हैं मैं अपने फ़ोन को जो है बंद कर चुका हूँ, अब बस इस फाइल का लोड होने का इंतज़ार करना है। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं ये जो फाइल है हमारा लोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रोमैक्स का जो फाइल है यहाँ पे आप शो या शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आप जैसे स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है रेडी, यहाँ पे आपको रेडी का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने डाटा केबल के साथ जो है फ़ोन को कनेक्ट करना है, बस कनेक्ट करके रख दीजिए। दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है अब इसके साथ कनेक्ट होने लगा है। ये देखिए दोस्तों, अभी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हमारा फ़ोन कनेक्ट हो रहा है। चलिए एक बार दोबारा इसे कनेक्ट कर लेते
तो दोस्तों जैसे कि आपको करना क्या है, जैसे कि आप जैसे इसे कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको वॉल्यूम अप और डाउन को दोनों को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आपका प्रोसेसर शुरू हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद आपको वॉल्यूम अप और डाउन दोनों ही प्रेस करेंगे तो आपका सीधा ही आपको डाउनलोड हो जाएगा, मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग सारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो प्रोसेसिंग है स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगता है पर जल्दी ही आपका हो जाएगा। दोस्तों इसमें थोड़ा समय लग रहा है तो चलिए इसे जब तक मैं पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी हमारा जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए सक्सेसफुली हमारा जो है काम करना स्टार्ट कर जाएगा। ये देखिए दोस्तों हमारा अब हो चुका है, डाउनलोडिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिनिश का ऑप्शन मिल गया है, प्रोसेस मतलब कंप्लीट हो चुका है। हमें 260 सेकेंड लगे टोटल इसमें। मैं अब आपको इसको रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ। चलिए इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इस बात का जो ध्यान रखें, जब आप सिस्टम से कनेक्ट करें तो फ़ोन आपका डाउन होने के बाद जब जैसे आप इसे प्लग करें उसके बाद है ना, आपको वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को एक साथ दबाना है, आपका ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो फ़ोन है इसमें नॉट रिमूवेबल बैटरी है, तो इसलिए आपको ये प्रेस करने के बाद ये आपका सक्सेसफुली काम करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसे निकाल देते हैं, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी तक ये हमारा स्टार्ट नहीं होता, चलिए स्टार्ट होने देते हैं। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं अभी ये स्टार्ट हो चुका है, तो हमें करना क्या है, यहाँ से अपना स्टेट्स जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों अब यहाँ पे हमें फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, आप इसे स्किप कर दीजिए। अगर दोस्तों आपका लॉक होगा या इसे बाईपास करना है तो इस तरह से भी आप बाईपास कर सकते हैं। तो चलिए इसे नेक्स्ट कर दीजिए, फिलहाल के लिए नेक्स्ट कर दीजिए। अब जो है हमारा जो मोबाइल है पूरी तरह से फ्लैशिंग हो चुका है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से आप अपने मैक्रोमैक्स Q465 का जो है दोस्तों फ्लैशिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहें। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल लेटेस्ट अपडेट पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल लेटेस्ट अपडेट को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले।